हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद केपी। तो आप सब कैसे हो? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए आज और अभी से आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को साथ में लेके स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, मात्र 6 मिनट का है। तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, बिना स्किप करके वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। तो फाइनली अभी जो है हमारे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बारिश स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस साल तो बारिश का नामो निशान नहीं है। हम लोग यूपी में रहते हैं, लखनऊ के पास रायबरेली बोल के एक शहर है, वहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बारिश हो रहा है। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के वहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं। मेरी मम्मी कोलकाता में रहती है तो मेरी मम्मी बोलती है कि यहाँ पे भी बारिश नहीं हो रहा है, बादल बहुत हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इतनी बारिश होगी कि कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन पता नहीं फिर बादल कहाँ गायब हो जाता है अचानक से। लेकिन 2 दिन से सुबह क्या हो रहा है ना, हल्का बादल भी हो रहा है। कल सुबह तो बिल्कुल नहीं बारिश हुआ, हल्का 2 मिनट हुआ फिर बंद हो गया। लेकिन आज सुबह तो हुआ फिर भी 10-15 मिनट बारिश हुआ, और काफ़ी तेज़ बारिश हुआ तो हल्का हल्का ठंडा है। और फिर जो है जैश उसी में गया है स्कूल, और मैं ना 2 दिन कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा था इस टाइम, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं एडिट कर पाई और पोस्ट भी नहीं कर पाई। तो आज से उम्मीद है कि रेगुलर वीडियो आएगा। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है पता है? अकेले वीडियो बनाना है, उसको एडिट करना है, फिर शॉर्ट्स बनाना है, फिर इंस्टा के लिए बनाना है, फिर घर का काम है, बच्चा है, हस्बैंड है, मेरा पार्लर है, डांस क्लास है, फिर जो है सब कुछ है ना, उसी में देखना पड़ता है। नहीं हो पाता है रेगुलर, फिर भी कोशिश करती हूँ कि हो जाए। खैर ये सब तो लाइफ का पार्ट है, ये सब तो करना ही है। क्या बोलना है रोज़ रोज़ कि ये करती हूँ वो करती हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। मतलब मेहनत करोगे तभी जो है आपका ड्रीम पूरा होगा। मैं बिना मेहनत का किसी का कोई ड्रीम आज तक पूरा नहीं हुआ है। बिना मेहनत का इंसान को कुछ नहीं मिलता है। तो खैर जाने दीजिए, ये सब तो चलता रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे ना पानी गिर गिर के ना, ये एसी से पानी गिरता है, गिर गिर के ना काई जमा हो गया था, तो इससे ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ डाल के फिर ना ये कपड़ा धोने वाला ब्रश से मैंने इसको रगड़ दिया है, क्योंकि जयेश दौड़ता रहता है, कहीं गिर जाएगा तो चोट लग जाएगा। और जो है रेगुलर अभी इस टाइम नहीं धुल पा रहे क्योंकि बारिश हो जा रहा है, तो इसलिए धुल नहीं पा रहे। तो आज मैंने सोचा कि 2-3 दिन पर धुल देते, और पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, मुझे इतना ज़्यादा पानी वेस्ट करना पसंद नहीं है। क्योंकि इसको धुलने के चक्कर में ना 10-15 मिनट तो कम से कम टाइम लगता है, 10 मिनट इतना ज़्यादा स्पीड से पानी गिरता है ना तो बहुत पानी वेस्ट होता है। कहीं कहीं जगह पे तो देखिए पानी ही नहीं मिल रहा है लोगों को, और यहाँ पे इतना कुछ हम लोग धुल के पानी वेस्ट करते हैं। तो रेगुलर धुलना मुझे नहीं वो लगता है, ज़रूरत नहीं महसूस होता है क्योंकि साफ़ ही रहता है, बस हल्का हल्का खाली मिट्टी विट्टी आता है चप्पल के साथ, बाकी तो साफ़ रहता है। और जो है जयश यहाँ पे देख रहा है कार्टून, वो देख रहा है मोटू पतलू देख रहा है, और मैं यहाँ पे घर का काम वगैरह सब कुछ कर ले लूँ। करके ना आज हल्का हल्का धूप निकला था, तो इस टाइम तो धूप ही नहीं सही से निकल रहा है, बादल हो रहा है। तो अभी हल्का हल्का धूप निकला था तो मैंने काफ़ी सारा कपड़े धो दिए। तो इस टाइम ना कपड़े तो डेली इतना ज़्यादा निकल जा रहा है उमस की वजह से ना, पसीना हो रहा है। और फिर ना ये सब करने के बाद कमर आज बहुत ज़्यादा दुख रहा था, तो फिर मैंने जयेश के पापा को बोला कि आज खाना घर पे नहीं बनाएंगे, लंच चलो ढाबे में जाके खा के आते। तो ये देखिए ढाबा, तो आप लोगों ने कभी ढाबा का खाना खाया है कि नहीं बताइएगा। ये हम लोगों ने दाल रोटी ऑर्डर किया था, दाल रोटी सलाद, ढाबा का स्पेशल होता है दाल रोटी, तंदूरी रोटी और दाल। ऐसे चौकी के ऊपर बैठ के खा, मतलब चौकी रहता है और साइड में कुर्सी रहता है, उसमें बैठ के खाना खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने कभी ढाबा का खाना खाया है कि नहीं बताइएगा। हमारे यहाँ पे तो बहुत सारा ढाबा है, वेस्ट बंगाल में ये ढाबा नहीं है, सब रेस्टोरेंट है, होटल्स है, लेकिन यहाँ पे यूपी में तो ढाबा बहुत फेमस है। यहाँ पे लोग होटल वगैरह में कम जाते हैं, बाकी ढाबा में जाते हैं। तो हम लोगों ने खाया था, 100 रुपये बिल हुआ था, लेकिन पूरा एकदम
मन तृप्त हो गया था। ये लोग ऐसा पता नहीं किस तरह से बनाते हैं, इतना टेस्टी बनता है खाना, बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ से आने के बाद ना मैं ना आज सो गई थी दोपहर में, जनरली मैं सोती नहीं हूँ लेकिन आज मैं सो गई थी। अभी भी 6:15 बज रहा है तो मेरी अचानक से नींद खुली, ना ही मैंने दोपहर में बर्तन धुला, ना ही कपड़े वपड़े उठाया, सब वैसे करके जस्ट खाना खा के आके बस सो गई थी। इतना कमर दुख रहा था और थक गई थी गर्मी के चक्कर में। फिर शाम को मैंने बर्तन धुला, कपड़े वपड़े उठाया, फिर घर और झाड़ू वाड़ू लगा के दिया वाती वाती सब जलाया। मतलब किसी किसी दिन थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मी के चक्कर में, गर्मी से इतना पसीना निकलता है, पसीने से ही तो इंसान का आधा एनर्जी उसी में लॉस हो जाता है। और जयेश कब से बोल रहा है मम्मी बिरयानी बनाओ बिरयानी बनाओ, लेकिन खाली ऐसे गर्मी की वजह से, मौसम की वजह से नहीं बना पा रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अगर ज़रा से भी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।